बाबा लोग क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। भाई साहब बस दो एपिसोड और हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन टू एंड और फिर हमें फिर एक साल के लिए लटका दिया जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और ऐसे सस्पेंस पर लटका दिया जाएगा कि हम वहां पर जगह तरह तरह की थ्योरी सेट करेंगे, तरह तरह के इमेजिनेशन बनाएंगे क्या होगा क्या नहीं। वही चीज सीजन वन पर जो हमें सेट कर दिया गया था भाई, सबने अधिकतर लोगों ने यही वेट करा होगा कि यार एमंड की अब क्या फटने वाली है, मतलब इसे तो ऐसा पेल दिया जाएगा वहां पर। लेकिन नहीं बाबा, एमंड ने जो कुछ कमाया है अपने दम पर कमाया है और पूरे सीजन टू में हमें देखने को मिला है। भाई साहब ये अकेला बंदा यार, ये नौजवान लौंडा, मतलब दो दो रूलर्स की गांठ फाड़ के रख दिया है इसने। बाय गॉड रेनेरिया वहां पर अलग परेशान है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, उससे इस हद तक आना पड़ा कि ड्रैगन्स के लिए अलग राइडर्स ढूंढे जा रहे हैं जो ना टारगेरियन है ना जो वलेरियन है, प्योर ब्लड में वो है लेकिन वो बास्टर्ड है, नाजायज है। इट मीन्स ये कि वो मिक्सअप ब्लड्स हैं। अभी एपिसोड 6 में हमें न्यू राइडर मिल चुका है एडम ऑफ हल, जो वलेरियन ब्लड को फॉलो करता है, कॉलिस वलेरियन की नाजायज औलाद है, दो नाजायज औलाद है कॉलिस वलेरियन की, वो है एक एलिन, एलिन वलेरियन, अभी वलेरियन करके ही डिनोट करा जाएगा एडम वलेरियन। वैसा एलिन भी अब सूट बूट में देखने को मिल रहा था, तो ये भी शायद किसी ड्रैगन की तलाश में है या फिर इसे तैयार करा जा रहा है या फिर ये जहाज के लिए तो तैयार करा ही जा रहा था, तो भाई साहब ये शायद नेवी की सेना पक्की करने में लगा पड़ा होगा। लेकिन बाबा हाँ ये तो है कि एपिसोड 7 में अब वॉर होने ही होने वाली है, डेफिनेटली होने वाली, या फिर एपिसोड 7 में थोड़ा सा मामला और ये बिल्डअप करेंगे और एपिसोड 8 में हमें सिर्फ और सिर्फ मैसेकर, सिर्फ और सिर्फ भाई साहब खून का नंगा नाच देखने को मिलेगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, क्योंकि बिगेस्ट लड़ाई होने वाली है भाई साहब रिवरलैंड पर। और डेमन टारगेरियन यहाँ फुल तैयार है, फुल डिफेंस में तैयार हो चुका है एमन टारगेरियन। यार ये लौंडा ना फकिंग किल 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 परफॉर्मेंस कर रहा है ब्रदर, एंड डेमन टारगेरियन की भी धज्जा उड़ा के रखी है उधर, रेनेरिया की भी धज्जा उड़ा रखी है जिसने, भाई ये वेल एक्सपीरियंस्ड है, वेल मैच्योर्ड है, इन लोगों की धज्जा उड़ा रखी है। डेमन को समझ में नहीं आ रहा है कि किसे साथ में ले किसे साथ में ना ले, क्योंकि वहां पर अलग एक सिविल वॉर छिड़ी पड़ी है हैरनहॉल पर, जहां पर ब्रैकन एंड ब्लैकवुड भाई सब वो दोनों को एक साथ लेकर आना चाहता है। और बाय गॉड ये है, अगर डेमन को इस हद तक पहुंच गया कि हाउस ऑफ ब्रैकन और हाउस ऑफ ब्लैकवुड अगर ये दोनों एक साथ लेकर आ गया ना भाई, इसे हरा पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो ब्रैकन है ना वो साले बड़े गांड फाड़ है, मतलब फुल एग्रेसिव मोड में चलते हैं और फियरलेस हैं। अभी किंग्स लैंडिंग पर एक और एंट्री होने वाली है डेरेन टारगेरियन की, जो चौथी औलाद है एलिसेंट हाईटावर की, और उसे बार बार उसका नाम लिया जा रहा है। वैसा एपिसोड 6 में भी उसका अच्छा खासा इंट्रोडक्शन लिया गया, दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन, एलिसेंट हाईटावर और उसके भाई के बीच में कॉन्वर्सेशन, उसके बारे में पूछ रही थी कैसा क्या है, तो अच्छी खासी बात बताएगी उसके लिए कि इंटेलिजेंट है, वॉरियर एटीट्यूड है, कैसे सॉल्व आउट करनी है प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशन को, तो वो डिप्लोमेट भी है, वॉरियर भी है एंड अच्छा खासा राइडर भी है वो, अच्छा खासा भाई। टेसेरिन ड्रैगन जबरदस्त ड्रैगन है, थर्ड ऑफ साइज में बताया जाता है, जो वर्मिथोर के नीचे आता है, तो देखते हैं उसे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। बाकी अभी भाई बहुत कुछ है बात करने के लिए, फायर एंड ब्लड अकॉर्डिंग टू बुक की अगर बात करूँ तो इतना ज़्यादा स्पॉइल दे दूंगा, लेकिन फिलहाल एपिसोड 7 के बिहाफ में ही बात करेंगे। एपिसोड 7 का प्रीव्यू है, आ गया है ट्रेलर और ट्रेलर दमदार है भाई साहब। हाँ रैना टारगेरियन को भाई यूज नहीं कर रही है अपना क्वीन रेनेरिया टारगेरियन, उसे बस बेबी सीटर बना के रख दिया। भाई साहब बहुत पोटेंशियल है उस लौंडिया में भी, जब कर सकती है वो जबरदस्त काम कर सकती है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन हाँ उसकी डेस्टिनी बहुत दमदार लिखी पड़ी है। दूसरी तरफ भाई साहब जैकेरिस वलेरियन की बात करें तो यार ये बहुत प्यारा लौंडा है रेनेरिया टारगेरियन का, बहुत प्यारा लौंडा है, जो हम एवरी टाइम अपनी माँ को सपोर्ट कर रहा है इंटेलिजेंटली एंड उसके बाद मॉरली हर तरीके से। एक वो अच्छी खासी ये भी उसने ही निकाली कि भाई साहब अलग अलग राइडर्स ढूंढे जाएँ, क्योंकि हमें क्या करना है, उनके बराबरी लेना है, और उनकी बराबरी करने के लिए हमारे पास सेना उतनी नहीं है, उतनी ज़्यादा आर्मी नहीं है, लेकिन हमारे पास ड्रैगन्स हैं, तो ड्रैगन्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके लिए राइडर ढूंढेंगे, और राइडर हमें हमारे साथ प्योर ब्लड में मिल नहीं रहे हैं, तो दौड़ते हैं कोई ना कोई बास्टर्ड जो अभी हमें एडम ऑफ हल मिल चुका है। देखते हैं कि वर्मिथोर के लिए भी शायद एपिसोड 7 में वो ह्यू बास्टर्ड जो ब्लैक स्मिथ है वो शायद प्रॉमिस करा जा रहा है कि एपिसोड 7 में वर्मिथोर को ग्रेन कर लेगा, क्लेम कर लेगा। देन उसके बाद सिल्वर विंग की भी बात करी जा रही कि वैसे सिल्वर विंग भी हमें शायद देखने को मिल जाए,
दूसरी तरफ ये भाई साहब हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 या फिर हाउस ऑफ द ड्रैगन ये जो सीरीज चल रही है इसमें बहुत कुछ मेकर्स की तरफ से चेंजेस हुए हैं। फायर एंड ब्लड के अकॉर्डिंग बात करें तो फायर एंड ब्लड के अकॉर्डिंग कुछ अलग बातें हैं जो नोवेल उन्होंने लिख रखी है जॉर्ज आर आर मार्टिन ने। वहां पर बताया गया है कि एडम व फल 15 साल की उम्र में इस ड्रैगन को क्लेम करता है, लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि 24 से 25 साल की उम्र में एडम व फल जो ये है बंदा इसने क्लेम कर रखा है। तो देखते हैं और भी कुछ साइड चेंजेस हो सकते हैं रिवरलैंड पर, शायद सी स्मोक और वेगार एक बार के लिए आमने सामने आ जाए, लेकिन कहीं से कहीं तक यहाँ मेंशन नहीं करा गया है कि सी स्मोक कभी वेगार के सामने आएगा, और वेगार के सामने आ गया तो भाई ये धज्जा तो उड़ा ही देगा। बाकी साइरेक्स और वेगा वो सॉरी सी स्मोक की बात करें तो दोनों भाई साहब बराबर के ही देखने को मिल रहे हैं, जहाँ सी स्मोक थोड़ा सा बड़ा भी देखने को मिल रहा है साइरेक्स से, तो इनके लिए टफ होने वाला है भाई कि वेगार के सामने ये पहुंच जाए। तो वर्मीथोर की बहुत जरूरत है बाबा कि वेगार के सामने यही बंदा टिक सकता है। तो एपिसोड 7 में वो होगा नहीं होगा जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी एपिसोड 7 में भाई ट्रेलर में इतना खोल के वो और कुछ दिखाई नहीं गया है, लेकिन हाँ भाई वॉर की तैयारी हो चुकी है, तो वॉर एक ना एक वॉर तो हमें देखने को मिलेगी, या तो आर्मी वॉर जो नीचे बैटल ग्राउंड पर चलेगी, या फिर एक ड्रैगन वॉर तो जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन ड्रैगन वॉर डांस ऑफ द ड्रैगन इतना ज़्यादा प्रॉमिस करा नहीं जा रहा है एपिसोड 7 के लिए। फिलहाल वेट करते हैं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मेरे के डिस्कशन करते हैं बाबा। आप लोग भी फैन होंगे, कुछ बताओ अपनी तरफ से, क्या आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, और किस हद की मोहब्बत है इससे। भाई मेरे बहुत दिल से मोहब्बत है यार, और एपिसोड 6 ने भाई दिल लूट लिया है यार, मजा आ गया। यहाँ तक पहुँच गए तो उसका हमें वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद।